अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। मैं एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं मेजर ऑर्डिनरी अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ। वन ईयर पहले मैं कन्फ्यूज़ था कि कौन सी जॉब मिलेगी, क्या करूँगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था। जब डिग्री ले लेके जा रहे हैं जॉब के लिए और अपने पास स्किल्स ही नहीं है, वो कैसा सेलेक्ट करेंगे? वो जो भी इंटरव्यू हायर करता है वो सोचता है कि अपने को वर्क आना। जब इंटरव्यू फेस करा, मेरे कुछ बोलने नहीं आया, कुछ अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। फिर मैं चार के वीडियोज़ देखा यूट्यूब पे और चार के बारे में मालूम करा, मेजर ऑडिटिंग के इंस्टीट्यूट जाके। मैं MBA करते करते ये कोर्स मेजर ऑडिटिंग अकाउंटिंग में एडमिशन लिया। एट दैट टाइम मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते थे कि अभी ना कोले, MBA के बाद कोर्स ज्वाइन करेंगे, अभी करना वेस्ट है, MBA हो गया बाद फ्री रहते, जब उसके बाद कोर्स ज्वाइन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि जब भी मैं ताज सर के पास ज्वाइन हो गया, MBA ख़त्म होते होते वन ईयर का एक्सपीरियंस भी आ गया मेरे को। अब मेरे दोस्त वहीं रहे हुए पीछे, अब वो हम उन्होंने सोच रहे हैं कि कहाँ पर कोर्स ज्वाइन करेंगे, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जब मैं मेजर ऑडिटिंग अकाउंटिंग में एडमिशन लिया तो सर हम लोगों को सिखाते थे ये वर्क रहता। मैं सोचता था कि ये वर्क रियल है नहीं है, कन्फ्यूज़ था। जब कंपनी में मैं वर्क कर रहा था, जब मालूम हुआ सही जो सार बोल रहे थे सेम वही वर्क है, कन्फ्यूज़ मत होइए। खाली एक 6 डेज का डेमो दे रहे सर, एक बार आके अटेंड कीजिए क्लास, उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा कंटिन्यू करिए। अगर मेरा आपको बोलना है तो आप एक ज्वाइन ही कर दीजिए 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स के बाद आप सोचेंगे कि हम नॉर्मल से अकाउंटेंट कैसा बन गए, प्रोफेशनल लाइफ पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाती, प्रोफेशनल लाइफ बन जाती है आपकी, जो आप MBA करने के बाद भी आपको महसूस नहीं होता। 2 मंथ्स के बाद आप दास सर के पास कोर्स करने के बाद आपको एज ए अकाउंटेंट फील होता आपको। अब जैसा मेरे को मिला, मैं बीकॉम कंप्लीट होते के साइड मैं तासार के पास एडमिशन ले लिया। ले लेके कोर्स चल रहा था मेरा, जैसा कोर्स कंप्लीट हो गया नेक्स्ट डे में जॉब मिल गई। तो इधर MBA चल रहा था ए साइड और दूसरे साइड जॉब चल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह MBA प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं अब गल्फ जाके जॉब सर्च करूँगा तो आसानी से मिल जाएगी मेरे को। जैसा मेरे साथी बैट्समैन भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों भी सेट है सेम करे जैसा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़ मत होइए।